मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ विकास स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से आपको छठा चैप्टर तो ये है ही, साथ ही में 6 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब देखिए, बेसिकली ये जो वीडियो बनाई गई है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बनाई गई है, जिसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि आपका पूरा चैप्टर भी कवरअप हो जाए। जैसे बात है, आप अगर मुझे अपना कीमती समय दे रहे हो, 20-25-30 मिनट दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका पूरा यूटिलाइजेशन तो होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ऐसा कराता हूँ कि आपका पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी सेपरेट वीडियो वाइज नोट्स चाहिए आपको तो इस हिसाब से आपको विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे विजिट करना पड़ेगा। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस पर क्लिक करके ऐप पे जाके उस पर सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा लिखिए। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था, पिछले से पिछले वीडियो में भी मैं क्वेश्चन देता हूं, और काफी बच्चे ऐसे जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, तो इसका मतलब मैं ये समझो क्या कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है। देखिए, जितना ज्यादा आप इंगेज रहेंगे ना, जितना ज्यादा आप चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो दैट्स वाई आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। इससे हमें भी लगेगा कि आप पढ़ते हैं और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और इस हिसाब से हमें उसी पे वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा देख दीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है। मैंने आपको दो चीज बताया था, एक बताया था क्षेत्रीय संगठन और दूसरा बताया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन जिसमें लिमिटेड देशों के लिए सारी चीजें योजनाएं बनाई जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिसमें सभी देशों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इस चीज को समझ लो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जो सभी देश के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको पार पाना, मतलब क्या है, जिससे निकल पाना किसी एक देश के हाथ में नहीं होता है। जैसे आप देखते हो, जैसे अभी आया था बीच में कोविड आया था ना, तो क्या एक देश में फैला था, क्या नहीं फैला था ना, सभी देशों में फैला हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन जैसे पैंडमिक जो चीज आती है, इन जैसी चीजों को झेलने के लिए बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि सभी देशों की हेल्प करेंगे। इसी में से एक है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर मैं परिभाषा दूं तो देखिए क्या करते हैं, ये वे संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण समझते हो क्या होता है, जो समस्याएं हैं उस चीज को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में जो समस्या है क्यों है, है ना, इसलिए उसका विश्लेषण करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास भी करते हैं, और इसे ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा कि वे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसको जानते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी कि अच्छे से डिफाइन करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम दिया जाता है। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया क्यों गया था, इसके पीछे रीजन है। पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको पता है 1914 से लेकर 1918 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 में हुआ था, तो इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा विनाश हो गया था। अब इस विनाश को देखते हुए अब देशों ने यह सोचा कि इसमें देखो, जो देश शामिल है उनका विनाश तो हो ही रहा है, बल्कि जो देश नहीं शामिल है उनका भी विनाश हो रहा है, तो इस वजह से हमें किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो कि इस तरीके के जो विश्व युद्ध है इन फ्यूचर ना हो, उस चीज को रोकने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। तो इस बिहाफ पे बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। लीग ऑफ नेशन का निर्माण क्यों किया गया था, ताकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है ऐसे युद्ध इन फ्यूचर ना हो, इस वजह से लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 10 जनवरी 1920 को 1920 को इसका निर्माण किया गया था। कब, 10 जनवरी 1920 को इसका निर्माण किया गया था। लेकिन आगे चल के क्या होता है, 1939 से लेकर 1945 में एक युद्ध और होता है जिसका नाम दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ कि लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, क्या वो उद्देश्य फुलफिल रहा, आप कहोगे नहीं रहा। क्यों नहीं रहा,
क्योंकि आखिर में जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया है इसका मकसद ही मेन मकसद यह था कि इस तरीके का युद्ध ना हो। लेकिन फिर हम देखते हैं 1939 से 45 में युद्ध हो जाते हैं, तो आगे चल के लीग ऑफ नेशन को खत्म करके एक और संगठन की स्थापना किया गया, या आप ये बोल सकते हो कि लीग ऑफ नेशन को चेंज करके एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में इस चीज की स्थापना की गई थी, और तब से लेकर अभी तक UNO अपना कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को पहले क्या कहा जाता था, लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। 10 जनवरी 1920 की इसकी स्थापना हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे वर्तमान समय में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, और UNO जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, जैसा कि मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको समझ में आया कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसको इसका निर्माण क्यों किया गया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो जाहिर सी बात है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसको जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है, इसी वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, मदद करते हैं। किन चीजों में मदद करते हैं, जैसे बीमारी में, वैश्वीकरण में, आतंकवाद में, ग्लोबल वार्मिंग में, इन सभी चीजों में मदद करते हैं। आगे समझते हैं, युद्ध शांति के मामले भी सुलझाते हैं, यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये शांति को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और युद्ध को भी खत्म करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आगे समझते हैं, ये विभिन्न देशों के मामले को सुलझाते हैं, तो इस वजह से हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। ये चित्र याद करके रखिए, क्योंकि आगे चल के मैं जब आपको इमेजेस करवाऊंगा तो उसमें इन सभी चीज का मैं डेफिनेशन दूंगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब वाला चीज है, ये हमें मोटिवेशन देता है। जाहिर सी बात है, अभी हमारे पास 13,500 लोगों की फैमिली है, स्टूडेंटों की फैमिली है। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे ग्रोथ हम पकड़ें और आगे चल के हमारे पास बहुत सारे बच्चे स्टडी कर पाएं, क्योंकि वो बच्चे जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस पे स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट पे मिनिमम पैसे पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। 99 रुपीज में आपको सारा चीज़ दिया जाता है। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा लिखिए क्या है और इसके उद्देश्य लिखिए, ठीक है, इन चीजों को हम समझने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि हमने पीछे देख लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, पहले इसको लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, और आगे चल के लीग ऑफ नेशन के बाद जो आया था वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसी की वजह से इसको उत्तराधिकारी का नाम दिया जाता है। जैसे राजा के मरने के बाद उनका बेटा उत्तराधिकारी हो जाता है ना, वैसे ही लीग ऑफ नेशन के खत्म होने के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, इसी वजह से इसको उत्तराधिकारी का नाम दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के एकदम बाद 24 अक्टूबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन की स्थापना की गई थी, यानी कि 51 देशों ने मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो घोषणा पत्र उस पर हस्ताक्षर किए थे, और इस तरीके से UNO की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संघर्ष होते रहते हैं, जो भी लड़ाई होते रहते हैं, उन चीज को रोकना और राष्ट्रों के मध्य सहयोग की भावना का राह दिखाना, ये इसका मेन लक्ष्य है। आगे समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, मतलब अगर देखा जाए तो 2006 तक 192 संख्या थी, और आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां जो देश बना था वो बना था दक्षिणी सूडान, और इस तरीके से 193 देश इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो UNO का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, जल्दी से अगर याद हो गया होगा तो इंग्लिश में फटाक से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आगे समझते हैं, ये आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न आपसे पिछले वीडियो के क्वेश्चन से लिया गया है। देखिए उसमें क्या है, शिमला समझौता कब किया गया था, मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया था कि शिमला समझौता कब किया गया था, तो जल्दी से बताइए। और इसके अलावा सार का जो विस्तार रूप है वो भी हमें जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, कि सर सार का विस्तार रूप ये है, इससे इससे हमें लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ते हो, और जो बच्चा हमारे विकास स्टडी पॉइंट की तरफ से पढ़ता है उसको हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही देते हैं, जो कि अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। आगे समझते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए एक नोटिस नोटिफिकेशन आपके लिए बताया गया है। क्या है नोटिस है, इस चीज को देखिए, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जो है आप
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे वीडियोस मिलता है, नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, ये सारा चीज़ वहाँ पे मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, सैम्पल पेपर मिलता है, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपका बेहतर स्टडी हो पाए, बेहतर स्टडी हो जाए, इस वजह से विकास स्टडी पॉइंट का ऐप क्रिएट किया गया है। कुछ बच्चों की शिकायत थी सर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं, तो ऐड को ख़त्म कर दिया गया है और उस चीज को खत्म कहाँ पे किया गया, विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे। तो जाके आप डाउनलोड कीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डाउनलोड कीजिए, आप लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अब यहाँ पे अंग जो है 6 है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लेकिन पूछता कौन सा सबसे ज्यादा है, वो है ये दूसरे नंबर का, ठीक है। ये दूसरे नंबर का पूछता है जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद, ये पूछता है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि सुरक्षा परिषद क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो 6 अंग है। कौन कौन से हैं, जिसको पहले को बोलते हैं महासभा, दूसरे को बोलते हैं सुरक्षा परिषद, तीसरे को बोलते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथे को बोलते हैं न्यायसिता परिषद, पांचवे को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सिक्स वाले को बोलते हैं सचिवालय। ये विभिन्न टाइप्स के बनाए गए हैं जिसके अलग अलग वर्क हैं, जो कि सभी देशों के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे 11th क्लास में मैं आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक एक होता है आपका कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका, इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो जो कार्यपालिका का काम होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, आप कहोगे सर विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, तो कार्यपालिका का काम होता है कानून जो निर्माण कर दिए हैं उस चीज को लागू करना। तो लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। ऐसे ही जो सुरक्षा परिषद में जो कार्यभार देखती है, उस चीज को जो लागू करवाती है, वो है सुरक्षा परिषद। तो आप सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका बोल सकते हो, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका के रूप में देखा जाता है सुरक्षा परिषद को, जो कि एक विशिष्ट अंगों के तौर पे है। देखिए सुरक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का बनावट लिखे और तथा उसके कार्यों की चर्चा कीजिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के समान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे सरकार की कार्यपालिका होती है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के रूप में जो है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। और जो सुरक्षा परिषद जो काम करती है वो चार्टर के अनुसार करती है। आप कहोगे सर ये चार्टर क्या है, तो चार्टर बेसिकली मैं बोलूं, जैसे हमारे देश का संविधान होता है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो नियम कानून लिखा गया है वो लिखा गया है चार्टर में। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक तरीके से नियम कानून की पुस्तक है, जिसको बोलते हैं चार्टर। तो चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में टोटल जो संख्या है वो है 15 लोगों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा है 15, कुल संख्या कितनी है 15, जिसमें से 5 स्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। स्थाई जो है वो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होंगे। आज इतना समय हो गया है लेकिन आज तक सुरक्षा परिषद के सदस्यों में चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अस्थाई सदस्यों की, तो इनकी सदस्यों में चेंजेस हुए हैं, पहले 6 थे और आगे चल के इसको इसकी संख्या 10 बना दी गई है, ठीक है ना। तो टोटली अगर कहा जाए तो टोटल संख्या कितनी है, 15 संख्या है, जिसमें से जो 5 स्थाई देश हैं ये फिक्स हैं, जब से बना है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब से सुरक्षा परिषद बना है तब से लेकर आज तक स्थाई सदस्य स्थाई तौर पर काम कर रहे हैं, इनके में चेंजेस नहीं आया है। अब हम ये समझते हैं कि 5 स्थाई देश कौन कौन से हैं। तो देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ये 5 ऐसे देश हैं जो कि स्थाई सदस्य के रूप में काम करते हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं 10 जो है अस्थाई जो देश हैं वो कोई भी देश हो सकते हैं। बेसिकली इनको जो चुना जाता है वो 2 साल के लिए चुना जाता है, 2 साल के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। देखिए इसके 10 अस्थाई सदस्य देश जो हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और कौन चुनता है, महासभा चुनती है, ठीक है ना। आगे समझते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। तो बेसिकली अगर कार्य देखा जाए तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, ये इसके कार्य हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों का जो चुनाव करना, जो कि हम देखें पिछले जो अंग हैं उन लोगों का चुनाव करने का जो जिम्मेदारी होता है वो होता है
सुरक्षा परिषद के पास। आगे, सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग होने का भय हो। यानी कि अगर सुरक्षा परिषद को लगता है कि कुछ ऐसा खतरा है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है तो उस पर यह कार्यवाही तुरंत करती है। आगे, सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्यवाहियों, विश्व शांति के खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्यवाही कर सकती है। ठीक है ना, आगे समझते हैं। सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप समझते हो संविधान का संशोधन होता है तो हमें पता है कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रोसेस अपना होता है। तो ऐसे ही जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद क्या करती है, अगर कुछ चार्टर में संशोधन करना होता है तो उस समय सुरक्षा परिषद अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब समझते हैं वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर जिसको बोलते हैं निषेधाधिकार, निषेधाधिकार क्या होता है, तो बेसिकली देखिए वीटो पावर क्या है, इस चीज को समझिए। जैसा कि आपको पता है सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश हैं, 15 देश हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 क्या है, अस्थायी हैं। अब बेसिकली जो 5 देश हैं इनको वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है कि अगर कोई देश वीटो पावर का यूज कर लेता है तो कोई कितना भी बड़ा निर्णय हो उस चीज को पास नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा आया है, कोई भी एक मुद्दा आया और उस मुद्दे को क्या किया गया है, उस मुद्दे को यूएनओ में भेजा गया है और यूएनओ में जब भेजा जाएगा तो वो जाएगा सुरक्षा परिषद के पास। अब जो वो सुरक्षा परिषद के पास जाएगा तो इस पर वोटिंग होगी, उस मुद्दे पर वोटिंग होगी। अब उस मुद्दे पर अगर वोट होता है, अगर सपोज करते हैं कि ये 5 देश और बाकी के जो देश हैं उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए तो उस मुद्दे को पास कर दिया जाएगा, मतलब एक्शन ले लिया जाएगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इनमें से ये जो 5 देश हैं, अगर इन 5 देशों में से कोई एक ने भी मना कर दिया इस मुद्दे को लेकर तो वो मुद्दा आगे पास नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर कोई एक ने भी मना कर दिया तो वो मुद्दा आगे नहीं पास होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक की ही वैल्यू हुई, बाकी चारों की वैल्यू नहीं हुई, बाकियों की वैल्यू नहीं हुई। अच्छा, अब ये मत समझना कि सिर्फ मैं इस पे ही सर्कल लगा रहा हूँ तो इसी देश की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर 5 देशों में से किसी एक ने भी मना कर दिया, किसी एक ने भी, कोई भी हो सकता है वो, तो वो मुद्दा आगे पास नहीं होगा। इसे बोलते हैं निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं, निषेधाधिकार। देखिए निषेधाधिकार, निषेधाधिकार या वीटो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की महत्वपूर्ण शक्ति है। निषेधाधिकार, निषेधाधिकार का अर्थ है स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रस्ताव को पास होने से रोकना। मैंने बताया ना, कोई एक देश भी अगर ये वीटो पावर का यूज कर लेता है इसका मतलब ये है कि वो प्रस्ताव पास होने नहीं देगा। आगे, इसका अभिप्राय यह है कि यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव के विरुद्ध वोट डाल दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, बेशक उस पर बाकी के स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों ने स्वीकृति दे रखी हो, पर वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन 5 देशों में से किसी एक ने मना कर दिया, मतलब उसने अपनी वीटो पावर का यूज कर लिया। वीटो पावर का मतलब समझ लो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र कब यूज करते हैं, अंततः लास्ट में यूज करते हैं जब कोई चारा नहीं बचता है। तो इसका मतलब यही है कि लास्ट में कोई भी अगर देश, अगर इन 5 देशों में से कोई एक ने अगर यूज कर लिया वीटो पावर तो वो आगे पारित नहीं होगा कोई भी प्रस्ताव, तो इस वजह से वीटो पावर का ये यूज होता है। नेक्स्ट समझते हैं, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया बनावट में अगर देखा जाए तो अस्थायी जो देश हैं इनकी संख्या कितनी है, 10 है। तो इनकी संख्या पहले कितनी थी, 6 थी, लेकिन आगे चल के 4 और इंक्रीज कर दी गई, इस तरीके से 10 हो गई टोटल। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी तो चेंजेस होनी चाहिए ना, इस सुरक्षा परिषद में भी तो चेंजेस होनी चाहिए ना, जिसमें 5 देशों को जो वीटो पावर मिला हुआ है, या तो उसमें देशों की संख्या बढ़ा दो। क्योंकि अगर मान लिया कि यूएनओ कब का बना, 1945 का, 1945 में मान लिया कि जो 5 देश थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, चलो मान लिया कि आपने उनको दे दी सारी शक्ति, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि पावरफुल हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सुधार की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हो जाता है कि सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों की जा रही है, सुधार के कौन कौन से प्रस्ताव सुझाए गए हैं, यानी कि
सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों की जा रहा, सुधारों की मांग क्यों की जा रही है, इसके पीछे रीजन है। तो रीजन क्या है, सबसे पहली चीज, जैसा कि आपने देखा कि कोई भी प्रस्ताव पे अगर एक देश ने मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। हो सकता है कि अगर एक देश की मनमानी चल रही हो, वही बार बार वीटो पावर का यूज कर ले रहा हो, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो इसमें चेंजेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाहिर से बातें करना चाहिए। तो यही लिखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मांग के कारण, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है। तो सबसे पहले पे हम देखते हैं सुरक्षा परिषद में 5 बड़े देशों के पास वीटो होने के कारण अनेक देश जैसे वियतनाम, चीन आदि को काफी समय तक सदस्यता नहीं मिल सकी। यानी कि अगर देखा जाए तो वीटो की वजह से इन देशों को मतलब सदस्यता नहीं मिल पाई। लेकिन आगे चल के चीन को भारत की सिफारिश पे, भारत ने सिफारिश किया तो चीन को भी शामिल कर लिया गया था सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में। आगे समझते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद की स्थापना विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, परंतु वीटो का अधिकार होने के कारण 5 बड़ी महाशक्तियों में से किसी एक के वीटो करने से प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता अगर किसी एक ने भी वीटो का यूज कर लिया तो। आगे मार्च 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना द्वारा इराक पर आक्रमण किया जा चुका है, परंतु यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अंतर्गत नहीं की गई। आपने देखा कि जो 4 ऑपरेशन जिसमें मैंने कराया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इंडूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच और इसके अलावा प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए कि 2003 में जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किया गया था, तो उस टाइम पे जो अमेरिका ने परमिशन नहीं ली थी यूएनओ से, तो जाहिर सी बात है यूएनओ से परमिशन नहीं ली तो इसका मतलब यूएनओ का दबदबा तो है नहीं। तो इसी वजह से सुधार की मांग की जा रही है कि जो यूएनओ है वो अपना पावर दिखाए, तभी तो बाकी के जो देश है वो देश तभी तो विश्वास करेंगे यूएनओ पे। तो यही चीज लिखा है। आगे, ऐसे कारणों से समय समय पर यह मांग उठाई जा रही है या उठाई गई है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। समझ आ गया। तो बाकी बहुत सारी कमियां यूएनओ में आपने देखा। यूएनओ की एक चीज बताऊं, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी ना। और आपको पता है शीत युद्ध की स्टार्टिंग भी कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और कब तक चली हुई थी, 1991 में चली थी। तो क्या उस समय यूएनओ ने कुछ किया, नहीं किया ना। तो कहीं ना कहीं कमियां ही तो है। तो यही चीज है, इन सभी चीजों में सुधार की मांग की जा रही है। आगे, सुधार के लिए सुझाव, कौन कौन से सुझाव दिए गए, यानी कि कौन कौन से चेंजेस किए जाए, ये सुझाव भी तो दिए गए हैं। तो कौन कौन से, इस चीज को समझते हैं। पहला समझते हैं, सुधार के कई प्रस्ताव हैं जिसमें एक यह है कि सुरक्षा परिषद में किसी को भी वीटो का अधिकार न दिया जाए। यानी कि जो हम वीटो पावर बार बार बोल रहे हैं 5 देशों को दी गई है, इसमें से किसी को भी वीटो का अधिकार न दिया जाए। आगे, दूसरे, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या जो अभी 5 है उसमें क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। यानी कि जो 5 देश हैं इन 5 देशों में वृद्धि कर दिया जाए, इसमें 6 कर दो, 7 कर दो या 10 कर दो, जो भी हो सके उतना करो। आगे, भारत, जापान, जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि इन देशों का संयुक्त राष्ट्र में रचनात्मक सहयोग ही रहा है और इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर कहा जाए तो भारत, जापान, जर्मनी ये जो देश हैं वो देश हमेशा से ही यूएनओ को सपोर्ट करते हुए आए हैं। तो इस तरीके से इन देशों को भी स्थायी सदस्य मिलना चाहिए ही चाहिए। आगे समझते हैं, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्व की चर्चा कीजिए। अब बेसिकली यहाँ पे हम ये समझते हैं कि 1991 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अपना सोवियत संघ था उसका जब अंत हो गया था, तो उस टाइम पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसका क्या महत्व था। तो जाहिर सी बात अगर देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में एक ऐसी महाशक्ति बन बैठा था जिसका टक्कर देने वाला कोई नहीं था। इसलिए क्या था, अमेरिका का बोलबाला था। अमेरिका की शक्ति पर सरलता से नियंत्रण नहीं किया जा सकता था, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका, अगर आप देखोगे तो 1991 के बाद जब सोवियत संघ का अंत हो गया था उसके बाद अमेरिका ने 4 ऑपरेशंस किए, ठीक है ना। तो ये अपनी मर्जी से किया, तो जाहिर सी बात है अगर इस पर कोई नियंत्रण कर लेता तो ये क्या युद्ध कर पाता, क्या ऑपरेशंस कर पाता, नहीं करता। आगे, अपनी सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय
अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। जाहिर सी बात है, अमेरिका इतना पावरफुल है जिसमें उसकी यूएनओ में भी चलती है और हर जगह पे चलती है। आगे इसका उदाहरण हमने चार ऑपरेशंस में देखे जो कि अमेरिका में बिना यूएनओ की इजाजत से किए। आगे समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका का विशेष प्रभाव है। जाहिर सी बात है अमेरिका का विशेष प्रभाव है क्योंकि अमेरिका हर एक चीज से मजबूत है। आगे समझते हैं यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला जो देश है वो है अमेरिका ही है। आगे इस वजह से अमेरिका का बोलबाला रहता है। यूएनओ अमेरिका की भू क्षेत्र पर स्थित है जिसका प्रभाव और बढ़ जाता है। अपने हित या उसके साथी राष्ट्रों के हितों के लिए वीटो का भी प्रयोग कर सकती है। आगे जिसकी विभिन्न देशों ने आलोचना की है। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व इस तरीके से है। आगे समझते हैं भारत को यूएनओ के स्थायी सदस्य न बनने के कारण। अब हम समझते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य जो हम बार बार कर रहे हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो कि 5 सदस्य हैं इनमें से शामिल करना बार बार मतलब भारत हमेशा से ही चाहता है कि जो 5 जो देश हैं इनमें वो भी शामिल हो पाए। लेकिन कुछ ऐसे कारण है जिसके वजह से इसको सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बनाया नहीं जा रहा है। कौन कौन से ऐसे कारण है उस चीज को हम समझने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, भारत के पड़ोसी देश यह नहीं चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्यता हासिल करे। भारत के जो पड़ोसी देश है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो जब चीन को शामिल करने की बारी आई थी तो उस टाइम पे भारत ने सपोर्ट किया था चीन का। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे तो चीन ही मतलब टांग अड़ाता है और वो कहता है कि भारत को स्थायी सदस्य मत दो, क्योंकि सबको ये बात पता है कि बावर जो भारत है इतना पावरफुल देश है कि अगर ये स्थायी सदस्य में आ गया तो ये बहुत कुछ कर जाएगा। तो इस वजह से पड़ोसी देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत भी स्थायी सदस्यता हासिल करे। आगे कुछ देश तो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर परेशान हैं। कुछ का यह मानना है कि भारत अगर स्थायी सदस्य बन गया तो पड़ोसी देश के जो मामले हैं उस चीजों में कहीं ना कहीं पक्षपात ना कर दे, मतलब भेदभाव ना कर दे। आगे कुछ देशों का यह भी मानना है कि अगर अस्थायी सदस्यों में परिवर्तन हुआ तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों को भी शामिल करना पड़ सकता है। अगर भारत को शामिल किया गया अस्थायी सदस्य में तो ये जो बाकी के जो अन्य देश हैं ये भी बार बार कहेंगे कि हमें भी शामिल किया जाए। इस वजह से न तो भारत को किया जा रहा है न कि अन्य देशों को किया जा रहा है। आगे कुछ देशों का विचार है कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को अवश्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि उपस्थित सुरक्षा परिषद में यही देश शामिल नहीं है। कुछ का यह मानना है कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों को भी मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए। आगे ऐसे सरोकारों को देखते हुए यानी कि इन सभी चीजों को देखते हुए भारत अथवा किसी और देशों के लिए समीप भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना कठिन लगता है। जैसे आपने देखा नहीं है कि एक को हम शामिल कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम एक को करेंगे तो बाकियों को करना पड़ेगा, इस वजह से ना हम एक को करेंगे ना हम किसी को करेंगे। तो इस तरीके का माहौल है जिसकी वजह से भारत को स्थायी सदस्य बनने नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। आगे लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा को लेकर भारत द्वारा किए गए प्रस्ताव लिखिए। देखिए यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप नॉन स्टॉप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तब तो आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप जाहिर सी बात है 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट का जब ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ी सी चीजें रिवाइज करके देख लीजिएगा कि अगर पीछे कोई दिक्कत है उस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको सारा चीज प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, हम चीजों को एक बैक टू बैक समझाते हैं। अगर आप हमसे कहोगे लगातार हम इंस्टीट्यूट में 2 से 3 घंटे लगातार बोलते रहते हैं तो हमारी एक तरीके से हैबिट बन जाती है। लेकिन आप अगर एक साथ पूरा देख सकते हैं तो ही देखिएगा, अदरवाइज ब्रेक ले लेके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में चलती हैं और फिर क्या है आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए मेरा मकसद सिर्फ आप लोग को पढ़ाना नहीं है बल्कि पढ़ाने के साथ साथ हर वो टिप्स बताना है जिसकी वजह से चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक है, आगे समझते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार है, सुधारों को लेकर भारत ने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं, भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इस चीज को हम देखते हैं। तो पहला लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा मतलब सुधार करने के लिए भारत ने हमेशा से ही समर्थन किया है। आगे भारत का विचार है कि परिवर्तित होते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक है। जैसे आपने एक लैंग्वेज मतलब एक चीज सुना होगा जिसको बोलते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी कि चेंजेस इज अ नेचर ऑफ लाइफ। अगर हम अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढालेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चेंजेस होना चाहिए जो कि समय के साथ होना जरूरी है, जिसकी वजह से उसमें मजबूती आएगी और दृढ़ता बढ़ेगी। ठीक है, आगे समझते हैं। भारत का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मसला प्रमुख होना चाहिए। एजेंडा का मतलब होता है एक तरीके से उसका जो कार्य है, तो प्रमुख जो कार्य है उनमें से जो विकास का मसला है उस चीज को सबसे नंबर वन पे रखना चाहिए ताकि विकास हो पाए और दूसरे नंबर पे शांति हो पाए। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है लेकिन सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं बढ़ी है। अगर मैं बात करूं तो आम सभा की जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ी है लेकिन सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं मतलब कमी है। तो इस चीज को लेकर भारत बार बार प्रयत्न किया कर रहा है। आगे सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से यह प्रतिनिधि मूलक होगी तथा इसे विश्व बिरादरी का अधिक समर्थन मिलेगा। अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में अगर सभी देशों को शामिल किया जाए तो इससे क्या होगा, सभी को प्रतिनिधित्व मूलक एक तरीके से सभी जब लोग इसमें शामिल रहेंगे तो कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे और जाहिर सी बात है इसमें सभी विश्व बिरादरी को भी समर्थन मिल सकता है। आगे 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या जो 1965 में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। जो सुरक्षा परिषद है ना उसमें से जो संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 15 कर दी गई। परंतु स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया जो कि कहीं ना कहीं गलती है। तो इसी वजह से भारत हमेशा ये कह रहा है कि जो पहले हो गया वो तो हो गया लेकिन अभी चेंजेस करो। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अधिकतर विकासशील सदस्य देश हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर विकासशील देशों को भी चुनना चाहिए क्योंकि इससे निर्णय पर असर पड़ेगा। जैसे आम सभा में की अगर बात किया जाए तो उसमें विकासशील जो देश हैं उनकी संख्या तो है लेकिन अगर मैं सुरक्षा परिषद की बात करूं तो उसमें जो 5 स्थायी सदस्य जो देश हैं उनमें कौन विकासशील देश है, कोई है क्या, नहीं है ना। जितने भी देश हैं वो सब विकसित देश हैं। विकसित देश का मतलब जो विकास कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अमीर गरीब के बारे में थोड़ी ना सोचेगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि गरीब ही गरीब के बारे में सोच सकता है, तो ऐसे ही जो विकासशील देश हैं वही विकासशील देशों के बारे में सोच सकते हैं। इस वजह से विकासशील देशों को मौका दिया जाना चाहिए किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में। ठीक है, आगे समझते हैं। भारत स्वयं भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है क्योंकि भारत उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो कि एक स्थायी सदस्य के तौर पर आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत जनसंख्या में भी ऊपर है, क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो ऊपर है, इसके अलावा यूएनओ में हमेशा सपोर्ट करता ही करता है, इसके साथ देखा जाए तो भारत के पास एक मजबूत सेना है, इसके साथ साथ देखा जाए तो जीडीपी में भी ऊपर है। तो इस तरीके से भारत हर वो चीज को फुलफिल करता है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के योग्य है। आगे समझ लेते हैं, अब हम कुछ एजेंसियों के बारे में समझ लेते हैं कि एक तरीके से जो यूएनओ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई तथा इसके कार्यों की चर्चा कीजिए। तो जैसे हम देखते हैं बैंक, हम देखते हैं जी हमारा बैंक है SBI, हम देखते हैं हमारा बैंक है कर्नाटका बैंक, हम देखते हैं हमारा है बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक है। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक भी तो होगा सभी देशों के लिए। तो विश्व बैंक जो है, तो विश्व बैंकों की अगर देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस बैंक की गतिविधियां मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई थी, विकासशील देशों के लिए बनाई गई थी। यह बैंक निम्नलिखित चीजों में कार्य करती है, जैसे मानव विकास में कार्य करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में कार्य करती है,
कृषि में कार्य करती है, ग्रामीण विकास में काम करती है, जैसे सिंचाई को लेकर, ग्रामीण सेवाओं को लेकर। बेसिकली ये लोन वगैरह देती है जिसकी वजह से जो देश है वो डेवलपमेंट कर पाए। आगे पर्यावरण सुरक्षा, इसके अलावा प्रदूषण में कमी और साथ ही साथ नियमों का निर्माण करना, उसे लागू करवाने का कार्य भी होता है विश्व बैंक के पास। आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने का कार्य होता है, जैसे शहरी विकास के लिए देखा जाए, सड़क विकास के लिए देखा जाए, बिजली के लिए देखा जाए, इन सभी चीजों के विकास करने हेतु तो विश्व बैंक क्या देती है, पैसा देती है। आगे अब ये मत समझ लो फ्री में दे देती है पैसा, नहीं, जैसे होता है ना लोन वगैरह इस तरीके से। आगे सुशासन, सुशासन का मतलब होता है कि अच्छे से शासन करना, ठीक है, यानी कि कदाचार को रोकना, जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जो अहिंसा है, इस चीज को रोकने का कार्य भी विश्व बैंक किया करती है। आगे यह अपने सदस्य देशों को आसान कर्ज भी देती है और अनुदान देती है, यानी कि दान भी देती है। आगे अधिक निर्धन देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं, कोई ज्यादा ऐसे गरीब देश है, अगर विश्व बैंक उसको अनुदान दे देती है तो वो चाहती है कि वो अपना डेवलपमेंट कर ले, अगर चुकाने योग्य है तो वो चुकाए पैसा, अदरवाइज ना चुकाए, ठीक है। लेकिन ऐसा सभी देश नहीं कर सकते, ऐसा मत समझना कि सब अनुदान ले 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 घर पे बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाता है कि जो देश असमर्थ है चुकाने में, उन्हीं को ये चीज दिया जाता है, ठीक है ना। आगे समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और कितने देश उसके सदस्य देश हैं, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए बेसिकली शीत युद्ध के बाद के वक्त में कुछ संगठन ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है, ठीक है, उनमें से एक जो है वो है IMF। देखिए विशेषकर संसार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो IMF है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, कितना, एक नंबर का। आपसे देखो अगर MCQ के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि IMF का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कवरअप करवा देता हूं। आगे ये संगठन वैश्विक स्तर पर, स्टार नहीं है, स्तर है, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखभाल करता है, साथ ही साथ मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी मदद मुहैया करवाता है, ठीक है ना। तो ये वित्तीय यानी कि पैसे संबंधित, पैसा मतलब पैसे से संबंधित कोई कार्य होता है वो चीज करता है, तथा तकनीक भी मुहैया करवाता है। आगे 190 देश इसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। आगे समझ लेते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत क्यों की है? जैसा कि हम मैंने बताया ना आपको कि जिस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करनी थी, उस टाइम पे चीन चीन की वकालत भारत ने की थी। तो देखिए चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यह देश प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं था। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ का देश नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत की और अंत में वह चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कराने में सफल हो गया था। और इस तरीके से देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उनमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन आज भी है। अच्छा अब यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि भारत ने क्यों चीन की वकालत की थी, ऐसे कौन से कारण थे। तो देखिए चीन अगर देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे ऊपर है, तो चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत ने अनुभव किया है कि ऐसे देश को विश्व मंच से बाहर रखना विश्व के लिए खतरा का कारण बन सकता है, इस वजह से भारत ने इस चीज की वकालत की। दूसरा, चीन की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी है उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होने से विश्व के अन्य देशों को कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि अगर कहा जाए तो चीन का जो भौगोलिक बनावट है, जो राजनीतिक बनावट है, कुछ इस प्रकार है जिसकी वजह से अगर वो UNO में शामिल हो जाता है तो बाकी के जो अन्य देश हैं उनको भी लाभ मिल सकता है। आगे भारत चीन के साथ मित्रता, अगर देखो भारत ने चीन की वकालत की तो भारत कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि अब मैं चीन का वकालत कर दूंगा तो इससे भारत और चीन में मित्रता स्थापित होगी, और वाकई में हुई भी थी। 1954 की बात किया जाए तो उस टाइम पे
चीनी हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे थे, ठीक है। लेकिन आगे चल के 1962 में जब चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पे, तो फिर उसके बाद जो संबंध है वो अनबन से बन गए थे। आगे समझ लेते हैं, ह्यूमन राइट वॉच के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। तो ह्यूमन राइट वॉच के बारे में अगर देखा जाए तो ह्यूमन, जाहिर सी बात है मनुष्य की बात की जा रही है, और इसके बाद बात करते हैं राइट, जाहिर सी बात है अधिकारों की बात की जा रही है। तो देखिए, यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स जो है ये बनाया गया है मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, और ये क्या है, स्वयंसेवी संगठन, यानी कि खुद से ये कार्य करता है। आगे, यह अमेरिका का सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, और यह विश्व भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के हनन की तरफ खींचता है। आपने अरब स्प्रिंग के बारे में सुना था ना, अरब स्प्रिंग, उसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हुआ था, और देखते देखते ट्यूनेशिया में ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे फैल गया था। तो वो इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है, ह्यूमन राइट वॉच क्या करता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है और कार्रवाई करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि बारूदी सुरंग बनाते हैं। जैसे कोई सुरंग बनाना है पहाड़ों के भीतर, तो हमें पता है कि हम बारूद से फोड़ते हैं, और इसके साथ 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 फोड़ते फोड़ते यहाँ से क्या बनाएंगे, हम एक मार्ग बना देंगे जिसके अंदर से ट्रेन जाएगी। तो बारूदी सुरंगों पर ये रोक लगाने के लिए बनाया गया है। बाल सैनिकों का इस्तेमाल रोकने के लिए इस चीज का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में सहायता की है। तो इसके साथ साथ देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स जो बनाया गया है ये इन सभी चीज के लिए बनाया गया है, जिसमें एक मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, इसके अलावा मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बारूदी सुरंग पर रोक लगाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए बनाया गया है। अब समझ लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से क्या अभिप्राय है। ये बेसिकली दो नंबर में पूछा जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो जैसे कि ये स्वयंसेवी संगठन है, ऐसे ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है, और ये भी मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, और ये भी मानव से संबंधित यानी कि मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है और इसे प्रकाशित करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन चीज़ों को मैंने करवा दिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो एक वीडियो में मैंने इतनी सारी चीज़ों को कवरअप करा दिया है। साथ ही साथ पेपरों के टाइम पर मैं आप लोग के लिए सैम्पल पेपर लाऊंगा, और सैम्पल पेपर पढ़िएगा, अच्छे से कीजिएगा, और गारंटी के साथ फिर वही है कि 3 सैंपल पेपर डिजाइन करूंगा और इन 3 में से ही पूछेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।